दोस्त जो मित्र मेरे इस चैनल पर आकर मुझे बताते हैं कि फला पुस्तक में ये लिखा है, तो वो पहले ये समझ लें कि गौतम बुद्ध के टाइम पे उन्होंने स्वयं किसी पुस्तक की रचना नहीं की थी। अब क्या हुआ, उसमें कमियां क्या आना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे इसमें भी पंथ बटना शुरू हो गए। बहुत जल्दी 100-200 साल के अंदर ही उसमें हीनयान, मध्यमयान, महायान, हीनयान और महायान, अब यहाँ पर भी छोटा बड़ा। नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म के साथ साथ दो नए धर्मों का, दो नए पंथों का जो प्रादुर्भाव हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अचानक एकाएक वो धीरे धीरे पीछे चले गए और हिंदू धर्म उन सबसे बहुत आगे चलता चला गया। तो दोस्तों आज मैं इस विषय पर चर्चा करने से पहले कि धर्म पीछे कैसे हुआ, उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में देखें आप तो बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि शायद बौद्ध धर्म ही भारत का धर्म था या जैन धर्म ही भारत का धर्म था, एकाएक हिंदुओं ने कुछ अत्याचार आदि करके उस धर्म को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि इस चैनल पर हम जातियों का इतिहास बताते हैं, तो मेरे कुछ जो बौद्ध मत को मानने वाले मेरे मित्र हैं वो अपनी बौद्ध मत से रिलेटेड पुस्तकों को ना पढ़ते हुए इस चैनल पर आकर कमेंट करते हैं कि ये सही नहीं है, ये वो नहीं है, लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म के ग्रंथों पर विश्वास करिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, ना कि समाज में वामपंथ या विदेशी ताकतों द्वारा फैलाए गए कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा जिससे आपको हिंदुओं से अलग करते हैं, उन प्रोपेगेंडा को पढ़कर आके चैनल में कमेंट करें। तो मित्रों मैं बता रहा हूँ आज आपसे कि 2500 साल का वो इतिहास मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जैन धर्म का, जिसको मत समझिए आप, का इनको संप्रदाय कहा जाता है, तो इन संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ और धीरे 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 इनमें कमियां आती रहीं, कुरीतियां आती रहीं और धीरे धीरे लोग पीछे होते चले गए, पुनः फिर हिंदू धर्म की स्थापना ठीक तरीके से इस पूरे भारतवर्ष में हो गई। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि महावीर जैन और बौद्ध का काल कब रहा है। लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व, यानी कि आज सन 2021 चल रहा है, तो इसमें 400 और 500 साल और जोड़ लीजिए तो लगभग 2500-2600 साल पहले यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। क्योंकि ये भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो आज आप देख रहे हैं, इस भारत में आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोचिए और सोचिए, यदि नेपाल से किसी धर्म का प्रादुर्भाव होता है और वो धर्म धीरे धीरे भारत में लुम्बनी होकर बनारस होते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दक्षिण भारत में उसका जो प्रभाव हो वो बहुत तेज़ी से फैले। नहीं, सबसे पहले जो प्रभाव हो उस धर्म का फैलेगा वो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, यहाँ तक इस इन धर्मों का अस्तित्व का प्रभाव ज़्यादा अधिक रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में पैदा हुए और उन्होंने धीरे धीरे भारत में आकर अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो इसका जो सबसे ज़्यादा असर रहा वो उत्तर भारत पर पड़ा। और ये संप्रदाय शुरू क्यों हुए, क्योंकि उस समय के जो समकालीन उस समय के राजा थे, वहाँ के राज्य व्यवस्था में, वहाँ के संविधान में कुछ कमियाँ रहीं, क्योंकि वो राजा हिंदू हुआ करते थे, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी या वो लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग ये सोचते थे कि शायद जो राजा का स्टेटमेंट आ रहा है वही हिंदू धर्म के शास्त्रों का स्टेटमेंट है, क्योंकि उस जमाने में राजा को ही ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। तो कुछ लोभ प्रलोभ मद ये सभी राजाओं में पाया गया है, वो चाहे हिंदू राजा रहे हों, सिख राजा रहे हों, मुस्लिम राजा रहे हों या फिर अंग्रेज राजा रहे हों, जो भी राज किया है उसके अंदर कहीं ना कहीं गौरवान्वित गर्व का भाव आया है, ईश्वरीय भाव उसने अनुभूति किया और फिर प्रजा पर उसके किसी न किसी कारणों का प्रभाव गलत पड़ा और प्रजा उससे रुष्ट हो गई। तो जब प्रजा रुष्ट हो जाएगी तो वहाँ पर एक स्कोप बच जाता है कि किसी और विचारधारा के फलने फूलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार उस समय जो प्रजा कष्ट में थी या उस समय अकाल इत्यादि पड़ा हुआ था, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, आप अगर इतिहास को देखेंगे तो देखेंगे कि बौद्ध के टाइम पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा था उत्तर भारत में, तो इस प्रकार प्रजा में कष्ट था और जब कष्ट में व्यक्ति होता है तो वो किसी नए परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार जब गौतम बुद्ध या जैन धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे बड़ी तेजी से लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। जबकि इस बौद्ध धर्म यानी कि 400 ईस्वी पूर्व से पहले यदि आप देखेंगे तो ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और बहुत सारे विजिटर्स, विदेशी जो बाहर से आए, जिनको आप कह सकते हैं यात्री, उन यात्राओं में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ी कौन कौन सी मंदिरें हैं और क्या क्या किस तरह से धर्म चलता रहा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुत्व तो बहुत पहले से इस राष्ट्र में रहा है, लेकिन अब बीच में जब अशोक सम्राट ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने धीरे धीरे प्रचार प्रसार बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही अशोक सम्राट के बाद के नीचे सक्सीडर्स आए, उन्होंने इस राज्य को चलाना शुरू किया, तो धीरे धीरे बौद्ध और जैन में कमियां आना शुरू हो गई। उन कमियों को मैं उल्लेखित करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा। यदि आप बौद्ध में देखें तो वहां पर भी बहुत सारे मतभेद पैदा हो गए, वो 100-200 सालों में, जो यहां पर 1000-2000-5000 सालों में मतभेद नहीं पैदा हुए, वो बौद्ध धर्म के आने के 100-200 साल बाद में ही मतभेद पैदा शुरू हो चुके थे। अब मित्र सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात आपको बौद्ध से जुड़ी हुई, जो जो मित्र मेरे बौद्ध से रिलेटेड यहां पर कमेंट करते हैं, वो
इस चीज को सबसे पहले समझें कि गौतम बुद्ध ने स्वयं किसी पुस्तक की रचना अपने जीवन काल में नहीं की थी। आप इतिहास में देखें, गौतम बुद्ध ने कोई पुस्तक स्वयं नहीं लिखी है। उनके मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने अपने हिसाब से उनकी जीवनी, उनके धर्म के परिचय इत्यादियों को पुस्तकों में लिखा और वही पुस्तकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जो दोस्त, जो मित्र मेरे इस चैनल पर आकर मुझे बताते हैं कि फला पुस्तक में ये लिखा है, तो वो पहले ये समझ लें कि गौतम बुद्ध के टाइम पे उन्होंने स्वयं किसी पुस्तक की रचना नहीं की थी। अब क्या हुआ, उसमें कमियां क्या आना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे इसमें भी पंथ बटना शुरू हो गए। बहुत जल्दी 100-200 साल के अंदर ही उसमें हीनयान, मध्यमयान, महायान, हीनयान और महायान, अब यहां पर भी छोटा बड़ा होना शुरू हो चुका था। जो छोटा बड़ा ऊंच नीच से जो समस्याएं पहले हिंदू धर्म में आ रही थी, सनातन में आ रही थी, उन्हीं समस्याओं का सामना प्रजा को फिर बुद्ध धर्म में भी करना शुरू हो गया। अब मेरे कुछ मित्र अगर जैन धर्म के होंगे तो वो जानते होंगे कि वहां पर भी मतभेद है, श्वेतांबर और दिगंबर, बहुत ज्यादा मतभेद नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी अंतर दोनों उसमें है, तो संप्रदाय में है। दोनों जैन में जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं उनमें भी बहुत मतभेद है। तो जिस कष्ट से पब्लिक या जनता वहां से हट रही थी, उसका मन उस धर्म से ऊब रहा था, एक नए शुरुआत की तरफ वो आना चाह रहे थे, वही समस्याएं फिर उनको यहां घेरना शुरू हो चुकी थी। और उस समय फिर धीरे धीरे वो 1400 सालों पहले लगभग उधर अरब देशों में इस्लाम का भी धीरे धीरे प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। अब इसी समय पर उस समय पर यहाँ पर हिंदू समाज में दो बड़े मत हुआ करते थे, जैन बौद्ध को छोड़कर भी, क्योंकि जैन और बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करने वाले भी हिंदू ही थे, वो हिंदू धर्म में पैदा हुए और उन्होंने धीरे धीरे उनको बढ़ाया, तो हिंदुत्व से इनका कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म के वैष्णव मत, अब आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में तीन बड़े ईश्वर या भगवान के बारे में बताया जाता है, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी का तो कोई मत शुरू नहीं हुआ, वो पुष्कर की मंदिर के अलावा वहाँ से कोई भी मत स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन विष्णु जी को पूजने वाले लोगों ने विष्णु संप्रदाय का प्रारंभ शुरू कर दिया, जिसको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। और दूसरा जो संप्रदाय उस समय उपज रहा था, वो दूसरा संप्रदाय भगवान शिव को मानने वाला था, जिसको रसेश्वर संप्रदाय भी कहा जाता है, भगवान शिव को मानने वाले। अब इन संप्रदायों में जो एक हिंदू में दो डिवीजन हुए, जिसमें पहला जो हुआ वो वैष्णव को मानने वाला और दूसरा भगवान शिव को मानने वाला। अब भगवान शिव के मानने वाले 63 भक्त और वैष्णव धर्म को मानने वाले 12 भक्त उस समय दर्ज पुस्तकों में, इतिहास में मिलते हैं। उसी भगवान शिव के भक्तों में एक भक्त का नाम था शंकर। अब शंकर काफी बुद्धिजीवी था और काफी भक्तिभाव लीन रहता था, वो हमेशा धर्म के प्रति चिंतित। धीरे धीरे उन्होंने आचार्य की पढ़ाई शिक्षा पूरी की और उनका मन अपने धर्म के प्रति थोड़ा खिन्न होने लगा कि पहले हिंदू सनातन के बाद फिर बौद्ध धर्म और उसके बाद जैन धर्म और फिर ये दो मत, तो इस तरह जो भारत की धार्मिक व्यवस्था थी उसमें बहुत सारा कुरीतियाँ शामिल होना शुरू हो गई। तो शंकराचार्य ने ये सोचा कि क्यों ना हम इन सब को एक ही सूत्र में पिरोना शुरू कर दें। तो अब उन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया इस समाज के लिए और उन्होंने बहुत सारी यात्रा करी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक सूत्र से हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव करना शुरू किया, और वो मत था अद्वैतवाद, जिसका अर्थ होता है सिर्फ एक। इसको आप एकेश्वरवाद के नाम से भी सुनते होंगे, एकेश्वरवाद का भी अर्थ है कि सिर्फ एक। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने हर जगह, मतलब वो दिल्ली आए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, हिमाचल गए, कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए, उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, केरला गए, इस प्रकार वो जगह जगह उन्होंने एक बहुत बड़ा देशाटन प्रारंभ किया और सभी को एक मतों में आने के लिए, एकजुट होने की शिक्षा देना शुरू की। अब उन्होंने ऐसा इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने इतिहास को पिछले 400-500 साल, उस वक्त के 400-500 साल के इतिहास में उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म किस तरह से विखंडित होता जा रहा है, पहले बौद्ध, फिर जैन, फिर वैष्णव, फिर शिव, इस तरह से यहाँ पे काफी विखंडन होना शुरू हो चुका था। तो उन्होंने पूरे भारत में एक पुस्तक से जोड़ने की परंपरा स्टार्ट की और वो एक पुस्तक थी भागवत गीता महापुराण। अगर आप लोगों ने सुना होगा या आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये अवश्य पता होगा कि आपके दादा बाबा के टाइम पे वो भागवत गीता का पाठ किया जाता है। भागवत गीता का पाठ का प्रारंभ आदि शंकराचार्य ने किया ताकि पूरा हिंदू समाज एक हो सके। इस प्रकार अब आते हैं बौद्ध जैन पीछे क्यों रह गए, क्योंकि ये रिजिड रहे और समय अनुसार धीरे धीरे इनका प्रयोग राजनीतिक कारणों में होता चला गया। जैसे किसी ने बताया कि आपको हिंदुओं ने दमन कर दिया, आपके ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, अब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये आप सनातन के शास्त्रों से नहीं निकाल सकते। हिंदू समाज में यदि सही मायने में विश्लेषित किया जाता कि किसी जाति धर्म को छोटा बड़ा किया गया, लेकिन दोस्तों अब मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि यदि
कोई विचारधारा पहले से पल्लवित है और एक नई विचारधारा बनकर के आती है, तो उसका असर पुरानी विचारधारा, उसके जो नियम कानून होंगे वो पुरानी विचारधारा को मैनिपुलेट कर देंगे। जैसे कि आप समझिए, जो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था मनु द्वारा बताई गई, वो वर्ण व्यवस्था पूरी सृष्टि को लेकर था, लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो यहाँ पे हीन यान, मध्यम यान, महायान ये शुरू हुआ, तो इनको लगना शुरू हुआ कि ये छोटी जाति। अब मेरे कुछ बौद्ध मित्र यहाँ पर आएंगे, अब ये जातियों छोटा बड़ा ऊंचा नीचा का स्टार्टअप ही अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में बौद्ध या जैन धर्म के अनुयायियों ने शुरू किया। उन्होंने शुरू बताया कि हीन यान छोटा होता है, महायान बड़ा होता है। अब क्या हुआ, हिंदू समाज में भी जो ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रियों की परंपरा थी, उसमें लोगों ने विचार दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि शायद ये परंपरा में भी शूद्र छोटे होंगे या वैश्य बड़े होंगे या क्षत्रिय छोटे होंगे, ब्राह्मण बड़े होंगे, इस तरह से, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। जब 100-200 साल बाद पहले बौद्ध आ गया था, फिर उसके बाद फिर हिंदुत्व आना शुरू हुआ आदि शंकराचार्य के बाद में, तो जो आधारशिला थी वो बौद्ध से निकल कर आना शुरू हो गई। तो उन्होंने सोचा कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी 400 साल पहले या मनुस्मृति में जो वर्णित है उसमें वो छोटे बड़े की बात की जा रही है, जबकि उसमें प्रकृति यानी कि पूरी सृष्टि का बंटवारा किया जा रहा है। यदि आप ध्यान से समझें और उसको सही से समझें तो उस सृष्टि में वो वर्ण व्यवस्था बता रहा है, इसमें सृष्टि में हम ही नहीं हैं, हमारे अलावा पेड़ पौधे चींटी मिट्टी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड बुक है एक मनुस्मृति, वो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। और अब जब क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, तो उसका असर उन्होंने मानव पे ही समझना शुरू कर दिया कि अब ये छोटे हैं ये बड़े। इस प्रकार इसी एक फेलियर की वजह से जैन और बौद्ध धीरे 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 हिंदू धर्म में विलीन, जहाँ से शुरू हुए थे फिर वहीं हिंदू धर्म में विलीन होना शुरू हो गए। इस प्रकार हिंदू धर्म में क्योंकि जो एकीकरण का मार्ग आदि शंकराचार्य ने दिखाया, उस मार्ग पर चलते हुए हिंदू धर्म इस प्रकार जैन और बौद्ध से आगे चला।